कांची पीठ के प्रमुख जयेंद्र सरस्वती का 82 साल की उम्र में बुधवार को निधन हो गया। शंकराचार्य की उपाधि से सुशोभित जयेंद्र सरस्वती का जीवन काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। वो हिंदू धर्म के सबसे अहम और राजनीतिक रूप से सबसे ताकतवर समझे जाने वाले संत थे। वही हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में अहम रोल के लिए उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए विभिन्न पक्षों से बातचीत का सिलसिला शुरू किया था। इतना ही नहीं, जयेंद्र सरस्वती की पहल से मुफ्त अस्पताल, शिक्षण संस्थान और बेहद सस्ती कीमत पर उच्च शिक्षा देने वाले विश्वविद्यालय तक चलाए जा रहे हैं। हालांकि उन पर हत्या के आरोप भी लगे थे, जिसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा था। आपको बता दें कि साल 2004 में जयेंद्र सरस्वती पर कांची मठ के कार्यकर्ता शंकरारमन की हत्या का आरोप लगा था। उन पर ये आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने हत्या करने की साजिश रची है और सबूतों को पुलिस से छुपाया है। बता दें, शंकरारमन की मोटरसाइकिल पर सवार तीन बदमाशों ने हत्या कर दी थी। वहीं पुलिस के पास हत्या से पहले और बाद में जयेंद्र सरस्वती की बदमाशों से बातचीत करने के सबूत मौजूद थे, के आधार पर उन्हें जेल तक जाना पड़ा था। हालांकि साल 2016 में कोर्ट ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया था। वायरल क्रीड़ा न्यूज़।